गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत तिवारी और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑन, ऑन टू, अपॉन, अबव एंड ओवर। लेट्स सी, देखो ऑन, ऑन टू, अपॉन और ओवर तीनों का मतलब, इन चारों का मतलब सेम होता है, के ऊपर या पर। ठीक, ऑन, ऑन टू, अपॉन और ओवर, इन चारों का मतलब होता है के ऊपर या पर। अब देखो इनकी अलग अलग कंडीशन है, उसके हिसाब से हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक, इन प्रीपोजिशन का यूज हम लोग करते हैं। जैसे ऑन का यूज हम लोग कब करते हैं? ऑन इज यूज्ड व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट एंड देयर इज फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू। ऑन का यूज हम लोग तब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा होता है और उनके बीच में एक फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है। ठीक, जैसे बुक इज केप्ट ऑन टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी है। ठीक, बुक इज केप्ट ऑन टेबल, अब टेबल के ऊपर बुक रखी है। ठीक, तो टेबल और बुक के बीच में क्या है? फिजिकल कॉन्टेक्ट है। पेन इज केप्ट ऑन बुक, पेन बुक के ऊपर रखा है, तो पेन बुक के ऊपर रखा है और पेन और बुक के बीच में क्या है? फिजिकल कॉन्टेक्ट है। ही इज रनिंग ऑन रोड, अगर कोई रोड पे दौड़ रहा है तो उसके उसका पैर और जमीन के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट तो होगा ही। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? ऑन। ठीक, अगला है ऑन टू अपॉन। ऑन टू और अपॉन का सेम मीनिंग होता है। ठीक, इसको हम सेम ही ऐसे यूज करते हैं कहीं पर भी। ठीक, चाहे ऑन टू यूज कर लें, ऑन टू जगह अपॉन यूज कर लें। ये भी क्या होता है, इसका भी यूज हम कब करते हैं? देखो, व्हेन वन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन कम्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए तो हम क्या कहते हैं? हम उस जगह ऑन टू या अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। कहाँ पे? बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। अब कूदेगी तो कहीं रही होगी, तो जहां पर भी पहले रही होगी वहां से जंप करी होगी, तो मोशन रही होगी। ठीक, जब टेबल पे आई। ठीक, उसी तरीके से वही है कि कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। सेकंड एग्जांपल है एप्पल फेल अपॉन द ग्राउंड, एप्पल पेड़ से टूटा, मोशन किया नीचे आया और कहां गिर गया? ग्राउंड पे। तो यहां पर हम क्या यूज किए? अपॉन द ग्राउंड। ठीक, क्यों? क्योंकि एप्पल जो था वो मोशन में था, पहले पेड़ में था, पेड़ से टूटा तो मोशन में था, मोशन में आया और नीचे गिरा जमीन पे। ठीक, तो ये क्या हो गया? या ये हो गया अपॉन का यूज। ठीक, अब ओवर, ओवर का यूज हम लोग कब करते हैं? व्हेन वन ऑब्जेक्ट वेदर देयर इज मूवमेंट और नॉट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक, बट देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू। जब देखो, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो। ठीक, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट ना हो, और जो ऑब्जेक्ट ऊपर है चाहे वो मूव कर रहा हो, चाहे ना मूव कर रहा हो, चाहे रुका हो, चाहे चल रहा हो। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? हम उस जगह ओवर की यूज करेंगे। जैसे हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, हेलीकॉप्टर मेरे सर के ऊपर उड़ रहा है। मेरे सर पे तो है नहीं, मेरे सर के ऊपर उड़ रहा है। ठीक, ऊपर उड़ रहा है। अब हमारे सर के बीच में और हेलीकॉप्टर के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया? ओवर का। ही जंप्ड ओवर द रूफ, ये यह रोप के ऊपर से कूदा, रोप के ऊपर से कूदा। अब रोप को कुछ छू गया नहीं, रोप के ऊपर से कूदा है। ठीक, वैसे एक और एग्जांपल मान लो ले लो, जैसे कि ब्रिज हमारे हेड के ऊपर है। ठीक, जैसे ब्रिज के नीचे हम खड़े हैं, तो ब्रिज और हमारे हेड के बीच में कॉन्टेक्ट तो है नहीं, ऐसा तो है ना, ब्रिज हमारे सर से टच कर रहा है। ठीक, तो वहां पर क्या है? वहां पर भी हम ओवर का यूज करेंगे, द ब्रिज इज ओवर माई हेड। अब जैसे मान लो कोई ब्रिज ऐसे ट्रेन वाली है, उसके ऊपर ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन तो मोशन में है, तो क्या बोलेंगे? ट्रेन इज रनिंग ओवर माय हेड। ठीक, अब आते हैं हम अबव का यूज। अबव इज यूज्ड टू डिनोट द लेवल, हायरार्की, लिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट। अबव का यूज हम हमेशा तब करेंगे जब हमें लेवल को डिनोट करना हो, हायरार्की को, लिस्ट को या एब्स्ट्रैक्ट को। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिस जो दिखाई ना दे। ठीक, भावनात्मक चीजें, जैसे ही इज अबव मी, यह मुझसे ऊंचा है, यह मुझसे ऊपर है, हो सकता है किसी पद में हो, ठीक, किसी रिश्ते में हो। ठीक, राम इज अबव श्याम, राम श्याम से ऊपर है। मान लो कि किसी ने राम और श्याम दोनों टेस्ट दिया, दोनों का नंबर आया और राम जो है श्याम से ऊपर है, मतलब उसका नंबर ज्यादा है, तो इसलिए ऊपर लिखा गया है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? राम इज अबव श्याम। मनी इज अबव लव, पैसा जो है वो प्यार से बढ़कर है। आज के समय के लिए देखो, लव क्या है? लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो दिखाई नहीं देता, एक फील होता है। ठीक, तो वही लिखा है, मनी इज अबव लव। वाटर लेवल इज अबव 8 मीटर, वाटर का जो लेवल है वो 8 मीटर के से ऊंचा है, 8 मीटर से ऊपर है। ठीक, 8 मीटर से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे एक लेवल को डिनोट किया गया है।
ये सारे यूज हो गए हमारे एबव के, ठीक। इस तरीके से ऑन, ऑन टू, अपॉन, हाँ, और एबव, इन सब की यूज हो गए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।